कि चाहत में दो जहां हम भुला बैठे, भुला बैठे। जवान है, जवान है, जवान है। आराम है, आराम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गाने की लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन गा दे रही हूँ। तुझसे भी ये दिल क्या हम लगा बैठे, लगा बैठे। ये है। लेकिन जान से जाएंगे। हो, क्या बात है बेटे, जान से जाएंगे। ए, 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 ओ, 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 ये इसी प्रकार इश्क में इस पल, क्या बात है, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक सा। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक सा। तेरी कसम तेरी प्यार में जाना मेरा हुआ पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य बड़े भैया श्री राजा महेंद्र सिंह जी जागीरदार रोरानपुरा। थोड़ा सा स्पष्ट लिख दीजिए, रोशनपुरा की ओर से 51 पद मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइएगा, ये गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले जिनका केवल हम लोग सहारा लेते हैं। बिल्कुल बेटे, लेकिन आइएगा अपनी बात आप लोगों को सुनाने का प्रयास है। आज वसंत पंचमी का पर्व है, हम लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं और ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन माता सरस्वती का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है। तो आइएगा, कहना पड़ा अपने गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास है, सुने। वाणी जग को माँ वाणी जग को
दीनी वाणी कर दी कृपा करता वाणी जग को दीनी वाणी कर दी कृपा करता तो आज के दिन मां सरस्वती का भू पर हुआ अवतार आज के दिन मां सरस्वती का भू पे हुआ सरस्वती का भूपर हुआ अवतार भूपर अवतार तो हो गया लेकिन गीत में आगे देखिएगा हो क्या रहा है जब माँ सरस्वती भूपर आने लगी तब देखिएगा हुआ क्या कहा क्या धरती ना जब ही ये मैं धीरज धरती धीरज धरती कब कब धरती पर आके माँ पग को धरती पग को रही है तब देखिएगा हुआ क्या क्या समान है भैया हालांकि बात बताई जाए तो बहुत सारी बातें मिलती हैं लेकिन एक बात यह भी मिलती है समान है भैया जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी रचना तो कर दी लेकिन देखिएगा संपूर्ण सृष्टि की रचना होने के बाद भी सृष्टि पर कहीं स्वर नहीं है और जब स्वर नहीं है तो उसी स्वर को प्रदान करने के लिए माता सरस्वती को भू पर आना पड़ा ये है मेन बात जब माता सरस्वती भू पर आ गई तब देखिएगा हुआ क्या क्या हुआ बेटा धरती पर को धरती और जब मां आ गई तब शीस शिव के द्वारा कटा चतुरानन का ब्रह्मा जी का समान बड़ भैया शीस शिव के द्वारा कटा चतुरानन का आज नुकसान हुआ जब एक शीश कट गया मेरी लाइन कह रही है भैया समझते रहिए ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य बड़े भैया श्री हेमंत राजा ढिकवाहा आपकी ओर से आशीर्वाद है हृदय से धन्यवाद है जब ब्रह्मा जी का एक शीश कट गया तब देखेगा हुआ क्या कुछ पाया कुछ खोया देखो कुछ पाया कुछ खोया देखो ब्रह्मानी भरता समान भैया कहा क्या कुछ पाया कुछ खोया देखो ब्रह्मानी भरता
ऊपर हुआ अवतार। क्या बात क्या बात। और कैसे कुछ पाया कुछ खोया, स्वर देने के लिए माता सरस्वती तो ऊपर आ गई, लेकिन ब्रह्मा जी का एक शीश कट गया, एक शीश गया और माता आई। जय हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को तो पा लिया, लेकिन एक शीश खो दिया। कुछ पाया कुछ खोया, देखो ब्रह्माणी भरता। आज के दिन माँ सरस्वती का भूपर हुआ। विशेषता नहीं है, केवल इतनी ही विशेषता चल रही है कि अगर कुछ पा रहे हैं तो कुछ खो भी रहे हैं। कायदे से जवाब दिया। समान बढ़ भैया, अगला टुकड़ा सुनिएगा। मैया सरस्वती तो ऐसी हैं, माना जिसने सेवा कर ली तो माँ ने उसको ऐसे ऐसा ताज पहना दिया कि वो जन्मों तक याद रखे। इसलिए माँ, माना जिसने मैया सरस्वती ऐसी है, मान जी भक्तों से करे ना पैमाना, ना पैमाना। थोड़ा जीते वो कभी अपने बच्चों को तोल तोल कर प्रेम नहीं करती, बस वो ये देखती है कि इसमें सच्चाई कितनी है। बेटा एक समान देखती है मैया। बिल्कुल बेटे। और कहना भैया क्या, जैसे अगर देखा जाए कैसे प्रेम करती है ऐसे तो प्रेम करती है। सुनो, दिन कैसे चमके थे जो कवि दिन कर, जो कवि दिन कर। सभी जानते हैं कि एक कवि हुए जो अपने नाम के पीछे दिनकर लिखा करते थे। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। वो बिल्कुल सूर्य की तरह ही चमकते रहे, लेकिन दिनकर कवि जिसका नाम वीर हकीकत, कहा जाए जिसने और धर्म के आगे अपने धर्म के
और धर्म के आगे अपने घुटने नहीं टेके, हमेशा अपना धर्म स्वीकार कर रहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ। लेकिन समान भैया हकीकत वीर को तो मिली आशीष है मैया से, हकीकत वीर को तो मिली आशीष है, कटाया शीश पर ना झुकाया शीश है। धर्म के पीछे अपना शीश कटा दिया लेकिन झुकाया नहीं, लेकिन जैसे उसका शीश कटा उसका शीश धरती पर नहीं गिरा बल्कि आकाश में उड़ गया। जब आकाश में उड़ गया तो एक लाइन फिर आई, कौन आज वीर की, आज वीर की याद में खिंचता, आज वीर की याद में खिंचता है पतंग का तार। आज आज हम सभी बच्चों को देखते हैं कि हर जगह पतंग उड़ाने का चैलेंज भी होता है और बच्चे पतंग उड़ाते भी हैं। तो ये पतंग वीर हकीकत की याद में उड़ाई जाती है, जैसे उसका सर आकाश में उड़ गया वैसे ही आज पतंग उड़ाई जाती है। मेले से खरीद के नहीं उड़ाई जाती। और ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य बड़े भैया श्री राकेश राजा एवं सम्मान्य बड़े भैया श्री सर्वेश भैया के बड़े भैया जी, हृदय से प्रणाम है। बड़े भैया को आशीर्वाद की कामना है, सुने। आज वीर की याद में खिंचता है पतंग का तार, आज के दिन में सरस्वती का भूपे हुआ भैया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि बीच में प्लीज ऐसा ना करें। अब गा बेटा, सीटी ना बजाओ। क्योंकि क्या होता है, कलाकार का मूड बना हुआ है गाने का। हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल, तभी साउंड हो जाए बंद। हाँ बड़ी गुस्सा आती है। समान बड़े भैया बात कर रही थी मैं एक कवि हुए दिनकर और एक माता रानी का भक्त हुआ वीर हकीकत, जिसने माता रानी के लिए अपना शीश नछावर कर दिया लेकिन उसका शीश धरती पर न गिरकर आसमान में उड़ गया। तो कह रही हूं आज वीर की याद में खिंचता, आज वीर की याद में खिंचता है पतंग का तार। लेकिन लेकिन आज के दिन में सरस्वती का भूपर हुआ अवतार, इनका आज वसंत पंचमी के ही दिन जन्म हुआ। वीर का, वीर हकीकत का आज के दिन ही शीश कट गया। समान भैया बात उसी दिन एक की आने की चल रही है, एक की जाने की चल रही है। आइएगा अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूं। राजा से थे क्या बात है, यह खुजली वाला हार।
जब राजा भोज का वसंत पंचमी के दिन जन्म हो गया, लेकिन आइएगा एक बात और, राजा भी कहते थे जिन्हें वो महाराजा महाराजा किधर हो बेटा जियो बेटे जियो, जिन्हें और राजा भी महाराजा कहने लगे, ऐसे भोज राजा। लेकिन भैया अभी एक बात आनी और भी है, कूखा पंती जो एक भक्त और हुए थे, कूखा पंथी जो करी को रक्षा है सब सबका सबसे परिणय वो दीनी शिक्षा है। कूखा पंथी जी ने हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। और एक बात और, कि सभी का सभी से प्रणय वंदन हो, चाहे वो कोई भी समाज क्यों ना हो। इसलिए कूखा पंथी जो करी गौ रक्षा है सबका सबसे परिणय वो दीनी शिक्षा है। जब शिक्षा दे दी एक लाइन और आई, कौन पद सेवक राजेंद्र रतन है, क्योंकि पद सेवक राजेंद्र रतन है ना अधिपति मुखता। और आज तो माँ सरस्वती की पूजा होती है, बल्कि मेरे गुरुवर ही नहीं हम सभी उनके चरणों में हैं। अबा पद सेवक राजेंद्र रतन है ना अधिपति मुखता, आज के दिन माँ सरस्वती का भूपर हुआ संसार को वाणी प्रदान करने वाली है, उनका चरणों में केवल यही निवेदन है माँ, जग को वाणी वाणी जग को दीन ही वाणी कर दी कृपा करतार है, जग को वाणी जग को वाणी वाणी जग को दीन ही वाणी कर दी कृपा करता, आज के दिन मां सरस्वती का भूपर हुआ। सुनो की देवी मैया सरस्वती की जय हो। और ये मेरी ओर से एक छोटा सा मैंने छोटा सा प्रयास किया है, अब आइएगा हमारे संचालक महोदय जी को सुने, हमारे भैया को वो आवाज दें।